सबो जय यीशु, जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग ईश्वर की कृपा अनुग्रह और दया के द्वारा बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु हमारे साथ हैं, जब प्रभु में हम हैं, प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, तो वास्तविक रूप में हम अच्छे ही होंगे। प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु ने हमें अपने पास, अपने चरणों में, अपनी उपस्थिति में हम सबको बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय, विशेषकर हम प्रभु को धन्यवाद दें इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें यह समय दिया है कि कुछ समय हम उनके साथ बिताएं, प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने हमें इस लायक और योग्य समझा कि हम उस प्रभु की आराधना कर सकें। प्रिय माई और बहनों, धन्यवाद दें इस समय पूरे दिन के लिए। प्रभु ने हमें पूरे दिन संभाला और सुरक्षित रखा, आशीर्वाद दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया। जीवन के इस वरदान के लिए प्रभु को लाखों बार धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम अपनी हर एक बात को, हर एक चिंता को, प्रार्थना को, हर एक समस्या और दुख को प्रभु के हाथों में दे दें और विश्वास के साथ आत्मा से भरकर पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए पूरे मन से हम प्रभु की आराधना करेंगे। जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, हमारे बंधन खुल जाएंगे। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रिय भाई और बहन, वचन बताता है प्रभु का आत्मा हम पर उतर आता है, और जब प्रभु का आत्मा उतर आएगा वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ कोई निराशा, वहाँ कोई गरीबी, वहाँ कोई समस्या और दुख नहीं होगा। तो आइए अपने मनों को खोलें प्रभु के लिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और ऊंची आवाज़ में, मन से बुलंद आवाज़ में प्रभु को पुकारें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है ऊंचे स्वर में प्रभु की दुहाई दो। जो प्रभु की दुहाई देता है, प्रभु उसकी पुकार को सुनता है। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आप भी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में जुड़ जाइए। इधर उधर ना देखें, बातचीत ना करें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं। घुटना टेकना चाहते हैं, घुटने टेकें। ताली बजाना चाहते हैं, ताली बजाएं और ज़ोर ज़ोर से गीत को गाएं, बस प्रार्थना करें। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
चैन अजब पाया। पाक खुदा के रू से हमने जीवन नया खुदा के रू से जीवन नया पाया। जला 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 तेरा है, तेरा है जला 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 तेरा है जला। जला 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 तेरा
तुझमें सुकून है खुदा, तुझमें सुकून है खुदा, लिपटे तुझसे चाहे, लिपटे तुझसे चाहे तुझको हुजूर खुदा, पाक हुजूर खुदा, आंसू भरे जीवन की राह तुझमें सुकून है खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक हुजूर खुदा। तुझको ही मिलते रहे चौमत हसमत और बुजुर्गी तुझको ही देते, तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तालियों को तेरा है जलाल, एक साथ जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 जलाल
पावन तूने जला। शहंशाह है मसीहा आदम ने कमा। भर जाए प्रभु के आत्मा से। हालेलुया 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 हालेलुया।
नाम लेते हुए सर्वश्रेष्ठ स्तुति करें मेरे भाई मेरी बहन, मुंह खोले इस समय प्रभु की आराधना करते जाएं, प्रभु के अभिषेक से भरें, प्रभु के अभिषेक से भर जाएं, प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं, प्रभु की उपस्थिति का आदर करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करते जाएं, आराधना करते जाएं, हालेलुया, स्तुति करें, स्तुति करें। आपकी बीमारी जा रहेगी, आपकी समस्या दूर होगी जब आप स्तुति करोगे, आप स्तुति करोगे, पवित्र आत्मा उतरेगा, बंधन खुल जाएंगे यीशु प्रभु के नाम पर। हालेलुया, 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 जीसस स्तुति करें। हालेलुया, 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 दोनों आंखें बंद करें इस समय, प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं, प्रभु से लिपट जाएं इस समय, प्रार्थना करते जाएं, प्रभु से लिपट जाएं, प्रार्थना करते जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरा भरोसा तुझ में हो, मेरी दृष्टि इधर उधर ना हो, प्रभु तेरा वचन बताता है तुझ पर भरोसा रखने वालों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, तुझ पर भरोसा रखने वालों को किसी बात की कमी नहीं होगी, तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, तुझ पर भरोसा रखने वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा, निराश वो होते हैं जो अकारण तुझे छोड़ देते हैं, भरोसा तुझ पर हो, धन्य है वे जिनका भरोसा अपने ईश्वर पर है, धन्य है वे, प्रभु कहता है वो लोग धन्य हैं जिनका भरोसा मुझ पर है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, प्रभु कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ो, वो तुम्हारे साथ है, वो तेरी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा और तुझे चिंताओं से मुक्त करेगा, क्योंकि प्रभु का वादा तुम क्यों चिंता करते हो, चिंता मत करो बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करो, चिंता करने से ऐसा कौन है जो तुम में से अपनी उम्र की एक घड़ी भी बढ़ा सके, प्रभु कहता है मत करो चिंता, अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा भरोसा, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारा ध्यान है, उस पर भरोसा रखो, वो आपका भला चरवाहा है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आंधियों में तूफानों में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके जीवन में जो उथल पुथल है, जो आंधी तूफान है, जो आर्थिक संकट है, यीशु उन्हें शांत कर देगा, इसीलिए प्रभु से कहें, प्रभु मेरा भरोसा तुझ में बढ़ता जाए, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, मेरे भाई मेरी बहन प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, छोड़ेगा
बहन। तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा तेरे सारे, वो तेरा साथ कभी ना छोड़ेगा, वो तेरे साथ रहकर तेरे सारे मनोरथ, तेरी सारी प्रार्थनाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो है यीशु, यीशु ही करेगा, यीशु ही करेगा। सभी लोग कहें यीशु ही करेगा, यीशु ही करेगा। मेरे भाई मेरी बहन यीशु ही करेगा। चिंता ना कर, घबरा, भला चरवाहा है। अकेला ना छोड़ेगा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे भाई कितना अच्छा वो भला चरवाहा है। प्रार्थना करें, धन्यवाद दे प्रभु। वो भला चरवाहा है, वो तुझे अकेला ना छोड़ेगा। सारे मनोरथ पूरे, आमीन।
यीशु ही करेगा भाई, मेरी बहन यीशु ही करेगा। सब कुछ करने वाला वो है, उससे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, उससे आपका अधिकार है, आपकी बीमारी पर उससे अधिकार है, आपकी बीमारी, आपका दुख, आपका कर्ज, आपकी चिंता, आपकी परिस्थिति, उसके सामने कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर नहीं है। मेरा यीशु उससे बढ़कर है, उस पर भरोसा रखिए, यीशु पर। वो सारे मनोरथ आपके पूरे करेगा, एक एक प्रार्थना को आपकी सुनेगा और पूरा करेगा। आंधियों में, तूफानों में वो आपके साथ रहकर उनको शांत कर देगा। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आंधी और तूफान बनकर उठ रही हैं, उमड़ रही हैं, उनसे आप डर रहे हैं, दब रहे हैं। यीशु कहता है, मैं उन्हें शांत कर दूंगा और तेरी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लूंगा। तू चिंता मत कर, तेरा ईश्वर तेरे साथ है ना बेटा, बेटी, तेरा ईश्वर तेरे साथ है, तो तुझे किस बात की चिंता, तुझे किस बात का डर, किस बात का भय। बस तू उससे अपना रिश्ता जोड़, बस तू उससे प्रार्थना कर, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, उससे लिपट, उससे प्रेम कर, उसकी आराधना कर। तेरा ईश्वर तेरी हर एक जरूरत को जानता है, मांगने से पहले तेरा ईश्वर जानता है बेटा, तेरा ईश्वर जानता है तुझे क्या चाहिए, तुझे चंगाई चाहिए। अरे चंगाई यीशु से बढ़कर नहीं है भाई, चंगाई यीशु से बढ़कर नहीं है। यीशु कहता है, तेरा कर्ज मुझसे बढ़कर नहीं है बेटा, तेरा कर्ज, तेरी परिस्थिति, तेरे हालात बिगड़े हुए हैं, मुझसे बढ़कर नहीं है। तू मेरे पास आ जा, बस मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगा, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। यीशु जानता है भाई, यीशु जानता है। वो कहता है, बस तू छोड़ दे, अपना बोझ क्यों लेकर ढोता है, क्यों लेकर दब रहा है, तू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। क्या तू चिंता करके अपनी उम्र की एक घड़ी को बढ़ा सकता है? मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना में जुड़ जाएं इस समय। मेरे भाई मेरी बहन, दोनों हाथ फैलाते हुए, पूरा ध्यान प्रभु में लगाते हुए, उसकी उपस्थिति से भर जाएं, एक एक बात को उसे समर्पित करते जाएं, और उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में स्थान दें, उसे प्राथमिकता दें। यदि अभी तक आपने प्रार्थना करना शुरू नहीं किया है, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना को प्राथमिकता दें, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है। स्रोत ग्रंथ प्रभु का वचन बताता है भाई मेरी बहन, स्रोत ग्रंथ अध्याय 57 वाक्य 89 में प्रभु का वचन हमसे बताता है, मैं ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, मेरी आत्मा जाग, मैं प्रभात को जागूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ये चाहता है कि हम उसे प्राथमिकता दें। आप में से बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग इस संसार में, पूरी दुनिया में, अपने कार्यों में, अपनी चिंताओं में, अपने हक के लिए हम उन बातों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे लिए ठीक लगती हैं, जो हमें, हमारी नज़र में ठीक है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ईश्वर को दी जाए, पहला स्थान प्रभु को दिया जाए। बहुत सारे लोगों से कहा जाता है, प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना नहीं करते, दूसरों के ऊपर अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी ज़रूरतों को डालते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना को प्राथमिकता दें। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, सोचते हैं प्रार्थना करने जब कहा जाता है, हाँ करेंगे, समय तो नहीं मिलता, करेंगे,
आप हमारे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, आप हमारे लिए प्रार्थना करना, हम नहीं करेंगे, आप करना। मैं खाना खाऊंगा, आपका पेट भर जाएगा। अच्छा है, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। यदि भूख लगी है तो खाना खुद खाना पड़ेगा, तब जाकर के पेट भरेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता प्रभु से जुड़े, आप जीवन भर सुखी रहें, आपका जीवन आनंदमय हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपके घर में कभी दुख ना आए, प्रभु के साथ आप जिए, तो आपको प्रार्थना में जीवन जीना होगा, आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा। कई लोगों को कहा जाता है प्रार्थना करो, वो सोचते हैं प्रार्थना करने का काम हमारा थोड़ी है, ये तो प्रचारक लोगों का काम है, पास्टर लोगों का काम है, फादर लोगों का काम है, सिस्टर लोगों का काम है, जिन्हें ईश्वर ने चुना। हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना कराना, हमारे लिए, हमारी जरूरतों के लिए, बीमारी के मतलब के लिए प्रभु के पास, प्रभु के सेवक के पास जाना और फोन करना, प्रार्थना कर देना, बस। हालेलुया, क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? प्रभु कहता है जो मुझ में जुड़ा रहता है वही अधिक फल उत्पन्न करता है। यदि आप फल उत्पन्न करना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो प्रभु से रिश्ता जोड़ लें, अन्यथा आप जानते हैं क्या होगा। वचन बताता है प्रभु उसे काट डालेगा और डाली वह सूख कर लोग क्या करेंगे, उससे बटोर कर आग में जला देंगे। हालेलुया, मेरे भाई मेरी बहन, वचन अक्सर अधिकतर लोग प्रार्थना को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, प्राथमिकता नहीं देते। अगर कोई बीमार पड़ जाए, हम में से कोई बीमार पड़ जाए, तो हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर के पास पहले जाएं, दवाई के बारे में सोचते हैं। बीमार पड़ जाएं, दवाई के बारे में सोचेंगे, डॉक्टर के बारे में सोचेंगे, सबसे पहले दिमाग में वही आएगा। हालेलुया। दूसरा, अगर यदि हमारा मुकदमा चल रहा है तो हम सोचते हैं अच्छा वकील मिल जाए, वकील हमारा केस लड़े और हम मुकदमा जीत जाएं। लड़ाई झगड़ा हो गया तो सोचते हैं किसी की शोर सिफारिश मिल जाए, उसके बारे में सोचते हैं कौन है नामी ग्रामी इंसान, कौन है जो हमारी मदद करेगा। सिफारिश को देखते हैं, बड़े व्यक्ति को देखते हैं कि वो आकर हमारा फैसला करे। जवान हो गए तो शादी की चिंता है कि अच्छा जीवन साथी मिल जाए। पढ़ लिख गए तो नौकरी की चिंता करते हैं, नौकरी के बारे में सोचते हैं। कुल मिलाकर बात यह है मेरे भाई और बहन, हम प्रार्थना और भक्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में भी नहीं सोचते। हम तब सोचते हैं इन सारी बातों के बारे में जब ये सारी बातें हमारे जीवन में कार्य नहीं करती, हमारे जीवन में काम नहीं आती, जब हम थक जाते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, प्रभु का वचन बताता है किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने प्रभु मुझे चंगा किया है, तेरे घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। वचन ये बताता है, हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं देते। प्रभु ने आपके शरीर को, आपको बनाया, उसको अधिकार है। प्रभु कहता है पुत्र यदि तुम बीमार पड़ गए हो तो सर्वोच्च ईश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं डॉक्टर चंगा कर देगा, जब डॉक्टर की दवाई नहीं लगती तब कहते हैं कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, तब हम प्रभु के पास आते हैं। यदि पहले ही प्रभु के पास आ जाएं तो शायद आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, यदि हमारा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हम देखते हैं वकील को पहले ढूंढते हैं, अच्छा वकील मिल जाए, प्रभु के हाथ में उस केस को समर्पित नहीं करते। जब 2 साल हो गए, 4 साल हो गए चल रहा है, कोई फैसला नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, वकील को भी देख लिया, कोई वकील काम नहीं कर रहा, तब जाते हैं प्रभु के पास, हमारे लिए प्रार्थना करना, हम कोर्ट का केस चल रहा जीत जाएं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ना करें, करें, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले प्रभु को आगे रखें, प्रभु के हाथ में समर्पित करें। वो न्यायी है, वो न्याय करने वाला है, वो न्यायाधीश है, वो आपका न्याय करेगा। हालेलुया। उसको आपकी चिंता है भाई। जब हम प्रार्थना को पहली प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो हम ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर को ऊंचा रखते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 2 और 3 में बताता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा
कोई ईश्वर नहीं है। यदि हम प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी बुद्धि पर निर्भर हैं। यदि हम प्रार्थना को पहला स्थान नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तब हमारा भरोसा हमारी बुद्धि पर है। और जितने लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं उन्हें बाद में कष्ट और दुख झेलना पड़ता है। वचन भी बताता, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धिक्कार उस मनुष्य को, धन्य है वे जो अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है। और हमने गीत में भी गाया, तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथ यीशु ही पूरा करेगा। कहीं भी भाग ले, कहीं भी भटक ले, कितनी भी दौड़ लगा ले, कितनी भी सिफारिश कर ले, कितना ही प्रभु से छिप जा, दूर रहे, लौट के एक बार तो प्रभु के पास आना ही पड़ेगा। प्रभु बुला लेता है, उसका तरीका अलग है, कैसे ना कैसी वो बुला लेता है। हालेलुया। वचन बताता है, हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो, करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हम अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे सब समझ है, मुझे सब कुछ आता, मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरी पहचान है। आपकी पहचान कोई काम नहीं करेगी, आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी जब तक प्रभु काम ना करे। यदि प्रभु काम ना करे तो आपकी बुद्धि कोई काम नहीं कर सकती। आपका पैसा आपको साथ नहीं दे सकता, आपका वकील आपका साथ नहीं दे सकता, आपकी दवाई काम नहीं करेगी, यीशु ही करेगा। हालेलुया। अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। और वचन बता, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। जितनों ने प्रभु पर भरोसा रखा वो कभी लज्जित अपमानित नहीं हुए। जितनों ने प्रभु की ओर देखा, दृष्टि दोहराई, उनका मुंह, मेरे भाई मेरी बहन, कभी काला नहीं हुआ, उन्हें कभी झुकना नहीं पड़ा। प्रभु पर भरोसा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी बुद्धि पर ही निर्भर ना रहें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर ही निर्भर रहें, बुद्धि भी तो प्रभु देता है, ज्ञान भी तो प्रभु देता है। हालेलुया। स्रोत ग्रंथ अध्याय 146:5 में प्रभु का वचन कहता, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु का भरोसा करता है। जब प्रभु ने मेरे भाई और बहन 12 शिष्यों को चुना, वचन बताता है, जब प्रभु ने 12 शिष्यों को जो चुना तो उन्होंने रात भर प्रार्थना में समय बिताया। रात भर, वो ईश्वर थे, वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना को प्राथमिकता दी, पहला स्थान उन्होंने ईश्वर को दिया, पिता को दिया। रात भर समय बिताया निर्णय लेने से पहले किसको चुनूं। 12 शिष्यों को चुनने से पहले उन्होंने रात भर समय प्रार्थना में बिताया, पिता के साथ बिताया, लीन रहे, अपनी दिमाग पर अपनी बुद्धि पर उन्होंने भरोसा नहीं रखा। उन्होंने प्रार्थना को जरूरी समझा। क्यों जरूरी समझा? लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:12-13 देखे, वहां लिखा है, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा, प्रेरित रखा। 12 शिष्य को चुना, चुनने से पहले रात भर समय बिताया, प्रार्थना को प्राथमिकता दी। इसका मतलब ये है मेरे भाई मेरी बहन, अपने निर्णय गलत, हमारे अपने निर्णय गलत हो सकते हैं। प्रभु ने सोचा शायद मेरे निर्णय गलत हो सकता, पिता से प्रार्थना की। हम जो निर्णय लेते हैं बिना प्रार्थना के, कभी कभी हम शादी कर लेते हैं, लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद से किसी को देख लिया, चुन लिया, क्या प्रभु से पूछा, प्रभु से निर्णय लिया, प्रभु से बातचीत की, प्रभु से प्रार्थना में समय बिताकर पूछा, क्या प्रभु ये मेरे लिए लड़की ठीक है, क्या ये लड़का मेरे लिए ठीक है, प्रभु ये तेरी ओर से है, मन में आया, अच्छा लगा, कर लिया, कोई समय प्रभु के साथ नहीं बिताया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, प्रार्थना करके नहीं पूछा, गलत निर्णय हो जाता है।
बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद पति को छोड़कर पत्नी चली गई और पत्नी को छोड़कर पति चला गया। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पति तो इतनी शराब पीता है, रात को पीकर आता है, रात को 1 बजे 2 बजे लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़ा शुरू है, मायके चली गई, अपने घर चली गई। क्या हुआ, क्यों? लव मैरिज थी, पसंद से थी, फिर भी ऐसा करता है। दुख, जिंदगी भर दुख, रोते हैं। ऐसे कितने फोन आते हैं मेरे भाई मेरी बहन मेरे पास इसी बात के लिए। मैं पूछता हूँ, प्रभु से प्रार्थना की थी? नहीं भैया, पसंद किया था, उस समय तो ऐसा नहीं था। हालेलुया। शादी को 1 साल हुआ 2 साल हुआ, टूट गई। क्यों? प्रार्थना में समय बिताकर निर्णय नहीं लिया। हमारा निर्णय मेरे भाई मेरी बहन गलत हो सकता है। हम किससे शादी करें, प्रभु से निर्णय लें। कौन सी नौकरी करें, कई बार हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, मैं ये पढ़ाई करूंगा और ये बनूंगा। पढ़ाई भी पूरी हो जाती है अपने बल पर, पैसे के बल पर, दिमाग के बल पर, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। यदि नौकरी मिल भी जाती है तो कुछ समय तक चलती है, छूट जाती है। क्यों? क्योंकि उस नौकरी के लिए उसके विषय में प्रभु से निर्णय नहीं लिया। शायद हमारा निर्णय गलत था। हम किसके साथ समय बिताएं, कौन सा विषय पढ़ाई के लिए चुने, सब हम भटक जाते हैं, निर्णय प्रभु से नहीं लेते। अपने परिवार की मुक्ति के लिए क्या करें, यदि आप प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, लू मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:35 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पहचानेंगे मेरे भाई मेरी बहन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय, यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है हम नहीं समझ पाएंगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6:46 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। आपको कोई आत्मिक ज्ञान नहीं होगा और आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। प्रभु के विषय में किसी को नहीं बता पाएंगे, प्रभु के प्यार के विषय में आप नहीं बता पाएंगे जब तक आप प्रार्थना में गहरे नहीं होंगे। प्रार्थना का जीवन आप नहीं जी रहे होंगे। आप गलत धारणाएं, गलत विश्वास के अनुसार जिएंगे और इस संसार को अपना सब कुछ समझ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ आपका रिश्ता नहीं है, प्रार्थना में आपका जीवन नहीं है। आप सब कुछ सोचेंगे, यही संसार में सब कुछ है, संसारिक जीवन हम जिएंगे। अच्छाई और बुराई को हम नहीं पहचान पाएंगे। इस संसार में हमारे लिए क्या अच्छा है, सब कुछ ठीक नहीं है। वचन बताता मनुष्य के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारे निर्णय गलत हो जाएंगे। जो हम चुनेंगे शायद बिना प्रार्थना के वो हमारे लिए हानिकारक हो, लेकिन जब हम प्रभु के साथ बिताकर निर्णय लेंगे, हमारा निर्णय सही होगा, हमें सुख मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22:39-40 प्रभु का वचन कहता है, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, अपने शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। प्रभु आज आपसे भी कहता है, प्रार्थना करो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आज हम बहुत सारी परीक्षाओं में पड़े हुए, परीक्षा से बाहर नहीं निकल रहे, क्या करें, कैसे निकलें? एक ही रास्ता है, प्रार्थना। प्रार्थना को प्राथमिकता दें, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। आप उस विश्वास को बचा नहीं पाओगे जो यीशु में है, और परीक्षा में पड़ जाओगे। वचन बताता है लूकस अध्याय 5:16 में, वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। क्यों एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे? प्रभु जानते थे बिना प्रार्थना के, बिना पिता के साथ रिश्ता जोड़े कुछ भी नहीं है। बिना प्रार्थना के कोई चंगाई नहीं है, बिना प्रार्थना के कोई आशीष नहीं है, बिना प्रार्थना के कोई सुख नहीं है, बिना प्रार्थना के कोई शांति नहीं है, बिना प्रार्थना के बर्बादी है। शत्रु शैतान हम पर हावी हो जाएगा, हमें पकड़ लेगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन यदि प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना में हम हैं, तब हमारा कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए इस समय हम आँखों को बंद करें, प्रभु का वचन हमने सुना और हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा वचन बताता है जितनों ने तुझ पर भरोसा किया वो कभी लज्जित अपमानित नहीं हुए। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। यदि मेरा भरोसा तुझ पर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपका भरोसा ईश्वर पर नहीं है, प्रार्थना में आपका जीवन नहीं है, प्रार्थना में आपकी प्राथमिकता नहीं है, पहला स्थान प्रार्थना का नहीं है,
आज से प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पहला स्थान प्रार्थना को देने का, तुझे देने का आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु मैं सही निर्णय ले सकता हूँ, सही रास्ता सुन सकता हूँ, सही जीवन साथी सुन सकता हूँ, अच्छा और बुरा समझ सकता हूँ। प्रभु तेरा ज्ञान मुझे दे। प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन। प्रेम ईश्वर के पिता, इस समय एक एक को छू, एक एक को स्पर्श कर, तुझ पर भरोसा और विश्वास रखने की सामर्थ्य इन्हें दे, प्रार्थना करने की शक्ति दे। इनका दिन, इनकी रात, इनका समय, हर एक पल प्रार्थना में बीते। प्रभु वचन को पढ़ने वाले बने, वचन को पढ़ने वाले नहीं उसके अनुसार जीने वाले बने। हम में से बहुत सारे लोग आज कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, हो सकता है हमारी प्रार्थना कमजोर है, हमारा भरोसा ईश्वर में कमजोर है। प्रभु कहता है तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा और तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आज उस पिता पर, ईश्वर पर भरोसा रख ले। मनुष्य का भरोसा रखना छोड़ दें, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना छोड़ दें, अपनी ताकत, अपने पैसे पर, अपनी बातचीत पर भरोसा रखना छोड़ दें, ईश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको निकालेगा, वो आपके जीवन से आंधी और तूफानों को शांत कर देगा, क्योंकि वही खुदा है, वही मसीह है, वही जिंदा खुदा है। उसके चरणों में आकर चैन और सुकून मिलता है, उसके चरणों में आकर आत्मा का अभिषेक मिलता है, उसके चरणों में आकर खुशियां मिलती हैं, उसकी हुजूरी में सब कुछ होता है। प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे इन भाई और बहनों को छूने की कृपा कर, इन्हें आशीर्वाद दे जिन्होंने प्रभु बड़ी प्रार्थना का निवेदन किया है, प्रभु प्रार्थना की गुहार लगाई है। पिता तू जानता है एक मनोरथ को, एक एक प्रार्थना को, एक एक जरूरत को, प्रभु तू जानता है, इन्हें आशीर्वाद दे। मेरे इन भाई और बहनों को छू प्रभु, इस समय चंगाई दे, आत्मिक चंगाई दे, आध्यात्मिक चंगाई दे, मानसिक चंगाई दे, शारीरिक चंगाई दे। प्रभु प्रभु इन्हें छू, इन पर हाथ बढ़ाकर इन्हें स्पर्श कर। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें, प्रभु आपको छू रहे हैं इस समय, प्रभु का स्पर्श आपको मिल रहा है, आपके दुख दूर हो रहे हैं, आपकी पीड़ाएं, आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं इस समय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु स्वर्गीय पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमारे ईश्वर का संदेश आज आपके और मेरे लिए यही है, तू रख ले भरोसा उस पर, वो साथ ना छोड़ेगा, तेरे सारे मनोरथों को, तेरी सारी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा, आंधी और तूफानों को शांत करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी बुद्धि का सहारा न लें और प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रार्थना को प्राथमिकता यानी कि पहला स्थान दें, तब आप निर्णय ले पाएंगे। आज प्रभु का संदेश आपके लिए यही है। प्रिय भाई और बहनों, आप सबको धन्यवाद इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, आपके परिवारों में, आपके घर में, आपके माता पिता, आपके बिजनेस, आपके कार्यों में, आपके ढोर डंगरों में, जानवरों में आशीष दें, आपकी हर एक चीज़ प्रभु यीशु के नाम पर आशीषित हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रिय भाई और बहन, प्रभु में जुड़े रहें, प्रभु से लिपटे रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में जिएं, मतलब के लिए प्रार्थना में ना आए, मतलब के लिए प्रभु के पास ना जाएं, दिल से प्रभु का रिश्ता जोड़ें, प्रभु के वचन को सुनें, प्रभु कार्य करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जरूर आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी बिगड़ी को संभालने वाला मेरा ईश्वर है, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है, वो करता है, वो करेगा, उसने किया है। यदि आप जीवित हैं तो ये उसकी दया है, वो कर रहा है, उसका समय है। वचन बताता है पृथ्वी पर हर एक काम का समय है, अपने समय पर हो जाएगा, आप चिंता ना करें, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दें, बस प्रार्थना करें।
प्रिय भाई और बहन, अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को कहें प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और प्रार्थना में देखें प्रतिदिन 8:30 यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि आपने नहीं किया आप भी कर दें। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं और अपनी गवाही भेजना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। प्रभु ने जो कार्य आपके जीवन में किया उसका साक्ष्य बने, उससे बताएं ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, प्रभु का सुसमाचार फैले, प्रभु का नाम महिमान भी तो। हमारा नंबर है 8279997397, 8279997397। आप इस नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नहीं उठा पाते हैं आप मैसेज कीजिए, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु में बने रहें, आशीषित हो जाएं, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। कल फिर हम मिलेंगे 8:30। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।